सरकारी स्कूलों में बच्चों को भोजन के लिए जिस रोटी को बनाकर दिया जाता है, अगर वह रोटी तुम्हें मिले तो तुम खाना चाहोगे, तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले अच्छे क्वालिटी के आटा को इस मशीन में पानी और आटा को मिक्स करके गूंदा जाएगा। थोड़े समय बाद इसमें देसी घी का भी प्रयोग किया जाएगा, जिससे दो फायदे होते हैं। पहला तो आटा मुलायम हो जाता है और दूसरा आटा में प्रोटीन मिल जाता है। जब आटा अच्छे से गूंद जाता है तब उसे लेकर इस मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद यह मशीन बारी बारी से सारा काम करने लगती है। सबसे पहले यह आटा को बेलती है, उसके बाद रोटी के आकार में काट देती है। जो रोटी सही आकार की नहीं होती उसे फिर से उसी मशीन में डाल दिया जाता है उसी प्रोसेस के लिए। इतना होने के बाद अगले प्रोसेस में रोटी को पकाया जाता है। जब रोटी अच्छे से पक जाएगा तब सारे रोटी में देसी घी लगाकर इस बर्तन में पैक करके स्कूल भेज दिया जाता है।